कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह आज रेवाड़ी पहुंचे, जहां धाराचुंग स्थित विराट हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना को लेकर आयोजित किए गए कार्यक्रम में योजना के लाभार्थियों को हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। राव नरबीर सिंह ने कहा कि आयुष्मान योजना ऐसी योजना है जिसमें हरियाणा के 70 लाख से ज़्यादा गरीब लोगों को फायदा होगा और अब इस योजना में पत्रकार, नंबरदार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी जोड़ दिया गया है। साथ ही राव नरबीर सिंह ने पत्रकारों के सवालों के जवाब पर राव इंद्रजीत सिंह समर्थक विधायकों के बगावती बयान पर जवाब दिया कि पटौदी और बावल हलके में तो उनके खुद के हलके से ज़्यादा विकास कार्य हुआ है और ऐसे में क्या कारण है कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रेस वार्ता कर रहे हैं वो खुद नहीं जानते। कारण क्यों इस तरह से बगावत कर रहे हैं ये तो वो ही बता सकते हैं। फिर भी क्योंकि आपके हलके में वहाँ पे गुड़गांव, यदि मैं ये कहूँ कि विकास के नाम पर एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के पूछे कि भाई विकास उसके विधानसभा में हमसे ज्यादा विकास हुआ कि नहीं हुआ, माने मनोहर लाल जी ने विकास के नाम पर सब विधानसभाओं ने एक से बढ़कर एक काम किया, उनकी विधानसभाओं में हमारी विधानसभा से ज्यादा काम किया। रेवाड़ी पहुंचे राव नरबीर सिंह ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वो 1987 में विधायक बने थे तब 20,000 देकर एक सिपाही की भर्ती होती थी और मुख्यमंत्री सभी विधायकों से 15 से 20 लोगों की लिस्ट लेता था कि किसकी भर्ती की जानी है, जिसका रेट अब 9 लाख तक हो गया था। लेकिन अब बीजेपी ने पहली बार योग्यता के आधार पर पुलिस में भर्ती की है। जो बनता है 15 आदमी 10 आदमी पुलिस की भर्ती में एक एमएलए को देता है। हमारे रेवाड़ी जिले से 3 विधायक है, हम तीनों सत्ता पक्ष के लगा लो, एक मिनिस्टर जी भर्ती में देता तो 15 15 खूब में जोर लगाता 45 आदमी देता। योग्यता के आधार पर भर्ती होने में हमारे इस दक्षिण हरियाणा के 4500 लोगों में से तकरीबन 1800 लोग हमारे शहीरवाल के लोग भर्ती हुए, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि। जब मैं 87 में एमएलए बना तो उस टाइम पुलिस की भर्ती हुई, लोग कहा करते कि ये 20,000 रिश्वत देकर भर्ती हुए, 20,000 रुपए, उस टाइम 20,000 रिश्वत थी। आहिस्ता आहिस्ता 2000 तक बढ़ते बढ़ते उस रिश्वत की कीमत 7 से 9 लाख रुपए हो गई एक सिपाही की भर्ती की, और अब की बात तकरीबन 4600 आदमी हमने भर्ती किए। एक भी आदमी विपक्ष का भी ये कह दे कि मैं पैसे देकर भर्ती हुई या मैं सिफारिश के तौर पर भर्ती हुआ हूं तो ये सरकार जिम्मेवार है।